शशिकांत की रसोई में आपका स्वागत है। और आज देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा आजकल बहुत मिल रहा है, मैं इसका सलाद बनाऊंगी। तो सिंघाड़े का सलाद बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही इसमें विटामिन भी होते हैं। इस समय सीजन में आ भी रहा है, तो देखिए मैंने सिंघाड़े ये सब सिंघाड़े ले लिए। ये देखिए इसमें से मैंने और मैंने इसमें और भी सब्जियाँ मिक्स की, खीरा किया है, येलो शिमला मिर्च की है, कैप्सिकम की है, ग्रीन की है, टमाटर किया है, चुकंदर किया है, नींबू, गाजर और कैबेज, ये मैंने सब इसमें यहाँ ले लिया और यहाँ मैंने सबको कट कर लिया है। तो सबको मैंने छोटा छोटा कर लिया। ये मूली भी ली है और ये अदरक ली है और ये देखिए सिंघाड़ा मैंने छील लिया है। तो इस सिंघाड़े को कोई छीलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे आराम से ऐसे करिए और इसे देखिए छील जाएगा ये। और इस तरह से इसको हम इस तरह से छीलेंगे। मैंने इसमें से कुछ छीले हैं, कुछ को बॉयल भी किया है, तो कुछ कच्चे डाल देंगे, कुछ हल्का सा बॉयल करके डाला हुआ है मैंने। तो जैसे आपको कच्चा वैसे ज़्यादा ठीक लगता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको बाल भी, देखिए ये देखिए ऐसे सिंघाड़ा मैंने ये सारे छील लिए। ये और ये मैंने कुछ बॉयल किए तो बॉयल करके भी छील लिए। और ये कैबेज है और ये टोमेटो है और ये कैप्सिकम ग्रीन वाली है, ये चुकंदर है, ये येलो वाली शिमला मिर्च है, ये खीरा है, कोकम्बर लिया, ये मैंने गाजर लिया हुआ है और यहाँ नींबू लिया हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा प्याज लिया, ये लहसुन को क्रश करके लिया हुआ है। और अब मैं इसका सलाद बनाऊंगी। तो देखिए सलाद मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मैंने एक बाउल ले लिया है और इस बाउल में मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसके थोड़े से छोटे छोटे पीस कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से जैसे छोटे पीस पतले पतले लंबे कर दीजिए इस तरह से। तो मैं ऐसे साढ़े जितना भी आपको एक बाउल में सलाद बनाना हो जितना बनाइए उसी समय उतना खा लीजिए। ये नहीं कि उसको आपने रख दिया, कुछ बॉयल भी डाल दूंगी इसमें। ये देखिए ऐसे पौष्टिक होता है, एक प्लेट भर के खा लीजिए और एक रोटी कम खाइए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जिसको डायबिटीज़ हो उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, तो स्पेशली डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये, और आजकल सभी को डायबिटीज़ हो रही है। तो इस तरह से सिंघाड़े को आप काट के छील के इसे मिक्स कर लिया। अब मैंने इसमें मिक्स करा है और इसमें से मैं देखिए क्या क्या सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा बनाना है अभी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें कैबेज डाला और ग्रीन डाल दी मैंने इसमें, कैप्सिकम, और इधर मैंने ये बाद में डालूँगी, और येलो वाली डाल दी है। आपके पास येलो नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जो हो वो रख लीजिए, नहीं है उसको छोड़ दीजिए। और कैरेट डाल दीजिए, देखिए गाजर, और इधर मैंने ये रेडी से मूली है, मूली को मैंने छोटा छोटा काट दिया, ये देखिए, और ये अदरक के छोटे छोटे पीस कर दिए। आपको अदरक पसंद नहीं है मत डालिए अदरक। और अब इसमें ये जो टमाटर मैंने कट किया है वो डाल दिया है, ये थोड़ा प्याज भी डाल दूंगी इसमें, और आपको मैंने थोड़ा सा क्रश कर दिया है। ब्लैक सॉल्ट है थोड़ा सा, टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, और थोड़ा सा ये देखिए रेड चिली फ्लेक्स है, हल्का सा डाल लीजिए, बहुत नहीं खाते हैं तो नहीं मैं डालिए, इसको स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दूंगी, डाल दिया इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और अब इसमें धनिया डाल दीजिए, मैंने धो के रखा हुआ है। और अब हम इसमें ऊपर से चुकंदर डाल देते हैं, देखिए चुकंदर तो बहुत ही अच्छा होता है, और हीमोग्लोबिन कम हो तो चुकंदर खूब ब्लड आपका बढ़ जाएगा चुकंदर खाएं तो। क्यों, ये देखिए ऑलिव ऑयल है, आप डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहें मत डालिए, मैं तो थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका और खाने में भी अच्छा लगता है। और कोई नहीं डालते हैं ऑयल, उसके बाद ऑलिव ऑयल डालती हूँ मैं।
और देखिए मैंने कितना बढ़िया सलाद बना लिया, और ये सारे विटामिन से भरपूर है, इसमें सब कुछ है इसमें। अभी इसको दिखाती हूँ, सैलेड तैयार है। जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं सब रखी हुई हैं, और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है ये। इसको बना के एक बाउल खा लीजिए तो आपकी देखिए कितना सेहत अच्छी बनी रहेगी इसकी आपकी। तो ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो भी हो वो आप तक पहुँच जाए। और इसको बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा कि टेस्ट में ये कैसा लगा। जो चीज़ पसंद ना हो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।